इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात मीटिंग समाप्त, बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही सात क्षमता परीक्षा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, सभी को सात क्षमता परीक्षा में हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देने की बात कही गई है। कहा गया सभी को कठिन शिफ्ट में नंबर कुछ ना कुछ नंबर बढ़ाने की बात कही गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ अभी अभी की बड़ी खबर आ रही, बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। आपको बता दें फिलहाल कल देर रात मीटिंग रखी गई थी। मैंने पहले ही बताया था कि मीटिंग होगी और मीटिंग कल देखने को मिली ये रात में, और ये अपडेट की कहा जा रहा है कि आप सभी को इस पर चर्चा हुई है कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जितने भी नियोजित अभ्यर्थी हैं वो सब पुराने अभ्यर्थी हैं और नियमावली के अनुसार ही लगे हुए हैं, सक्षम थे तभी एग्जाम क्वालिफाइड करके नौकरी पर लगे थे। तो इनको दोबारा सक्षमता परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस पर चर्चा बन रही है और परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की बात कही गई। बिना शर्तावली के आप सभी को बिना परीक्षा के यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए चर्चा हुई है और जल्द जल्द इसके लिए आज शाम तक ऑफिशियल नोटिस जो भी आएगी नोटिस ऑफिशियल इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक है आप सभी लोग सपोर्ट में रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट और मेरे प्रयास के द्वारा ही सरकार आयोग तक बात पहुँची है, उस पर निर्णय भी लिया जा रहा है कि आप लोगों को क्या बिना परीक्षा राजकर्मी दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो यूनिटी बना के चलिएगा और सपोर्ट आप लोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।